गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो आज मैं आ गई हूँ गोलू देवता के मंदिर में। तो आज सुबह सुबह उठ के हमने प्लान किया कि मैं और काका आएंगे और जय तो चले गए ऑफिस, तो मैं सोची कि चलो मंदिर से काका को घुमा के लेकर आती हूँ। तो फाइनली अभी हम लोग आ गए यहाँ पे और मैं आप लोग को इस मंदिर के बारे में बताने वाली हूँ। और इस मंदिर में मैं पहले भी आई हूँ बट टाइम नहीं मिला आप लोग को दिखाने के लिए, बट आज मेरे पास टाइम ही टाइम है तो मैं आप लोग इसके बारे में बताऊँगी। और ये मंदिर जो है ना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। घर लेके जाएंगे तो ये पंडित इसमें टीका चंदन लगाएंगे, फिर आप इसको रिटर्न ले आना। ओके ठीक, थैंक यू भैया। पूरा हो गए और अभी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं भगवान जी का दर्शन कर रहे हैं और पूजा करने के लिए सब कुछ सामग्री वगैरह ले लिया। तो चलते हैं मंदिर के दर्शन के लिए। देखो तो इतना सीढ़ी चढ़ के आ गए, अभी तक तो अभी ऊपर और जाना पड़ेगा। घंटिया सारा स्टार्ट हो गया। तो मैं भी मंदिर के अंदर आ चुकी हूँ और जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे कई सारे मंदिर बने हुए हैं और साथ ही साथ हर जगह में घंटी के साथ चिट्ठी के साथ पूरा बंधा हुआ है, क्योंकि इसका एक रीज़न है जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। और पहले तो सब छोटे छोटे मंदिर के भगवान का दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मेन भगवान जी के पास गोलू देवता। अभी हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं पूजा करने के लिए, तो देखो कितना भीड़ है। पूजा पाठ करके जस्ट आई, आप लोग देखो कितना बड़ा हम बिंदी लगा दिया, बट ठीक है भगवान के पास आए इतना तो चलता है। तो चलो मैं आप लोग को आज दिखाऊंगी गोलू देवता के मंदिर के बारे में बताऊंगी, प्लस आप लोग को बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। तो चलो सकते हैं यहाँ पे पूरा घंटी वगैरह बंधा हुआ है। तो ऐसे यहाँ पे कहा जाता है कि किसी का मनोकामना पूरा अगर होता है तो एक घंटी देके भगवान को चढ़ाया जाता है, और साथ ही साथ अगर आपका कोई ख्वाहिश पूरा नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे चिट्ठी लेके भगवान के पास दे सकते हो, सो दैट आपका ये पूरा मनोकामना पूरा हो जाएगा। आपका वीडियो बना रहे हैं पूरा मंदिर का और मैं सोची मैं भी आप लोग को थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना एग्जैक्टली, अगर आपका कुछ मतलब कुछ ख्वाहिश हो, कुछ विश हो, वो पूरा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको लेटर लिख के भगवान को देना होता है, सो दैट भगवान जी उसको पढ़ेंगे और आपका मनोकामना पूरा करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से दूर दूर से भी लोग आते हैं अपना, अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आते हैं और भगवान जी के कृपा में सब कुछ सही होता है और सब कुछ मतलब ख्वाहिश सबका पूरा हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे घंटियाँ बंधा जाता है। तो मतलब अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो आपको अगर मिल जाता है तो आपको भी तो बदले में कुछ देना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर घंटियाँ दिया जाता है भगवान जी को। यहाँ पे भैरव बाबा जी का भी मंदिर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और ये पूरा घंटियाँ मतलब करोड़ों घंटियाँ यहाँ पे बंधा जाता है, बहुत ही पुरानी मंदिर है ये।
पे चिट्ठिया के साथ साथ घंटिया भी बंधी हुई है, साथ में चिट्ठी भी है, साथ में घंटी भी बंधी हुई है। तो गोलू देवता को भी गोलजू देवता भी बोला जाता है। और ये जो लोकेशन है ये है भवाली में, और हमारे घर से तो बहुत ही पास है, बट यहाँ पे दूर दूर से भी लोग आते हैं इस मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो अगर आप आसपास रहते हो देन यहाँ पे आइए, और बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही शांति है इस मंदिर में, और ऊपर से एकदम पहाड़ के ऊपर है, लोकेशन भी बहुत ही सुंदर है इसका, बहुत ही अच्छा है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आने के बाद। और अभी धीरे धीरे वेदर भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, पूरा बादल अभी आने वाला है ऊपर ही, तो आप जस्ट देखो इतना सुंदर मंदिर है यहाँ पे। सो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और मेरे घर के पास है तो मैं कभी भी यहाँ पे आ सकती हूँ। सब कुछ हो गया है डन, पूजा वगैरह, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आ जाके, और वेदर भी देखो कितना अच्छा हो गया यहाँ पे। तो चलो काका से भी पूछते हैं काका को कैसा लगा, क्योंकि उनके लिए तो ये फर्स्ट टाइम था, मैं तो चलो सेकंड टाइम आई, तो चलो काका से भी पूछते हैं लगा यहाँ पे आके। अरे पूछिए मत, मैं तो कई सारे मंदिर में गया, लेकिन इस गोलू देवता मंदिर में आके मेरे को पता नहीं है, मैं अंदर से एक बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ कि जो बहुत शांति है ना इस मंदिर में, बहुत बहुत शांति है, इसीलिए मैं बहुत टाइम बिताया मंदिर में, एक से डेढ़ घंटा मंदिर में बिताया। जाने का तो मन नहीं, टाइम पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला टाइम चला गया यहाँ पे। हमें तो अभी भी जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है यहाँ से, बस कभी भी बारिश हो सकता है क्योंकि बादल यहाँ पे कभी भी आ रहा है, और हम जैकेट भी नहीं लाए, ऐसे ही एक फुल शर्ट बनियान पहन के आ गया। मुझे तो ठंडी लग रही है बट काका को ठंड लग रही है, बट काका जय तो मिस कर दिया, जय मिस कर दिया, तो उसको किसी और दिन लेकर जय को अभी घर में जाके बताएंगे हम लोगों को कितना आनंद मिला, कितना बहुत एंजॉय किया, सब फोटो वोटो भी अपलोड करेंगे, है ना। सुनैना का ब्लॉग को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो सुनैना बहुत अच्छे ब्लॉग करते हैं, हम घर में बैठ के देखते सुनैना का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया, अगर अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।